मौसम विभाग द्वारा इस बार सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा शहर में किसी भी प्रकार का जल जमाव ना होने पाए उसके लिए विशेष नाला सफाई अभियान छेड़ रखा है। विशेष नाला सफाई अभियान के तहत महानगर के सभी 230 नालों की सफाई के लिए नगर निगम की पूरी टीम शहर में नाला सफाई में जुटी हुई है। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को देखते हुए एक माह पहले से ही नगर निगम पूरी क्षमता के साथ नालों की सफाई कराने में लगा हुआ है। इस अभियान में जेसीपी मशीनों के साथ पोकलैंड मशीन और मैन पावर लगाकर सफाई कराया जा रहा है। इसी के साथ नालों पर अवैध अतिक्रमण को देखते हुए ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया है जो नालों पर पक्के निर्माण का कार्य किए हुए हैं, उनसे जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने को कहा गया है, अन्यथा उनके खिलाफ नगर निगम संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, देखिए एक तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल ऐसा है जनपद गोरखपुर का कि एक कटोरे नुमा एक कढ़ाई नुमा है जो कि जहाँ की वाटर लॉगिंग का एक बहुत सी संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो हमने देखा कि पहले यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से तालाब थे और उन तालाबों में बहुत से शहर से होकर बहुत से नाले वहाँ जाते थे मिलते थे, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में कह लीजिए, शहरों का विस्तारीकरण कह लीजिए, इन सब विकास की दौड़ कह लीजिए, उसमें बहुत से तालाब जो थे धीरे धीरे पड़ते गए, लोगों ने अवैध निर्माण उसमें करा दिए और कई अन्य कारणों की वजह से वो तालाब जब पड़ गए तो वो जो नाले थे वहाँ पर पानी, नालों के साथ भी यही बात रही, तो उससे एक जो नेचुरल सोर्स था पानी के जो बहाव और जाकर वहाँ पे वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए। इसके साथ ही साथ जो तालाबों की संख्या कम होने की वजह से पिछले काफ़ी समय से लगातार ये बहुत बड़ी क्रॉनिक समस्या है जनपद गोरखपुर की, नगर निगम के क्षेत्र की भी, कि ये एक वाटर लॉगिंग हर बार हो जाता है। इस बार हम लोगों ने जो मानसून आने के ठीक एक महीने पहले से, जो हर बार हम लोग जो तैयारी करते थे एक महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। इसमें हमारे अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर, हेल्थ के लोग, जो चीफ हमारे NSA हैं, वो सभी लोग और सभी जोनल ऑफिसर्स, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग इस वक्त जो नाले की सफाई को अपनी टॉप प्रायोरिटी दिए हुए हैं। और ये बताना उचित रहेगा कि हमारे यहाँ जो कुल मिलाकर 230 नाले हैं जिसमें कि 11 नाले बहुत बड़ी वाली प्रकृति के हैं, करीब 96 मझोले हैं और नेचर के हैं और 123 जो हैं वो छोटे नाले हैं। तो इस वक्त हम लोगों ने 11 बड़े और जो 96 मझोले हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और डेली हमारा इसमें काम चल रहा है और हम एंड टू एंड सफाई कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, बहुत सी जगहों पर देखने में आ रहा है कि कुछ इस प्रकार का निर्माण कर लिया गया, पक्का निर्माण, कि वहाँ पर सफाई करने की गुंजाइश ही नहीं बची है, वहाँ जाके पानी हमारा रुक जा रहा है। लेकिन हमारा नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि हम इस जो आने वाले समय में अपने शहरवासियों को एक सहूलियत दे सकें कि इस बार यहाँ पर कम से कम स्थानों पर वाटर लॉगिंग हो। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सब मिला के शहर में 97 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं जहाँ, मतलब यह ऐसा कह लीजिए कि जहाँ पर स्थाई या अस्थाई रूप से वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पे हम लोगों ने 175 जो है टोटल संख्या में हम मड पंप लगा रहे हैं, जिसमें कि कुछ पंप तो हमारे परमानेंट लगे रहते हैं जो साल भर चलते हैं, इसके अलावा कुछ हम 84 की संख्या में अस्थाई पंप भी लगा रहे हैं। इसके अलावा हमने हर जोन में अब की बार गाड़ी की एक व्यवस्था कर रखी है, मोबाइल वैन कह लीजिए, कि जहाँ पर हमें उसके ऊपर पंपिंग सेट रखे रहेंगे, पंप सेट, जैसे भी कहीं से अस्थाई नेचर का यहाँ पानी इकट्ठा हो गया है हमारी गाड़ियाँ वहाँ तुरंत तत्काल वहाँ पहुँचकर हम उसको वहाँ पंप को वहाँ पर सेट कर देंगे और उससे पानी को पंप करके बाहर निकालेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले माननीय मंडलायुक्त महोदय ने एक VC किया, तो उसके माध्यम से भी और अन्य विभागों के एक इंटर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए खासतौर से PWD, NHI और जो CNDS से उन्होंने जो कुछ मेडिकल कॉलेज वाली रोड पर या आगे कई जगहों पर जो उन्होंने निर्माण कार्य किए हैं, मेन सड़क बनाई है उस पर जो उन्होंने नाला दिया, तो उनसे ये हमने अनुरोध किया कि उसके दोनों तरफ जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उनसे आने वाली नालियाँ जो हैं उन नालियों को इन नालों से जोड़ दें और इन नालों को पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि बीच बीच में नाले ब्रेक भी हैं। तो ये पूरा एक हम लोग इसमें एक स्ट्रेटजी बना के काम कर रहे हैं। 2021 में पूरी उम्मीद ये है कि कहीं पर हम जल वाटर लॉगिंग ना होने दें और हमने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग से हम कुछ
बड़े वाले पंप भी खरीद रहे हैं। जो बड़े पंप आ जाएंगे तो हमारी शक्ति इसमें और पावर हमारी और बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये रहेगा कि हम और पब्लिक से भी हमारी अनुरोध है कि देखिए जब सफाई हो रही है, जो कूड़ा उसमें से निकल रहा है बहुत बढ़िया बड़ी संख्या में, उसमें पॉलीथीन, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, रजाई, गद्दे भी निकल रहे हैं। और इसके अलावा जैसे हमारा गुड़दैया नाला है, उसमें अभी हम लोगों ने दो तीन हमने उसमें नोटिस जारी किया है, उसमें हम FIR भी कराने जा रहे हैं। लोगों ने उस नालों पर, उस नालों के जो नाला का जो है लैंड है, वो ये कह लीजिए कि नदी तालाब है, उसका जो डूब क्षेत्र है वहाँ पर भी जाकर उन्होंने पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो हम लोग जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बनाते हुए प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सारे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और जो बन गए हैं उनको तो तोड़वाया जाए, प्लस कोई नया ना बनने दिया जाए। इसके लिए सभी विभागों को मिलजुल काम करना पड़ेगा, जैसे सिंचाई विभाग है, CNDS, PWD, NHI, जब तक सब लोग मिलकर एक साथ काम नहीं करेंगे और जब तक पब्लिक भी जागरूक नहीं होगी कि किसी भी किसी नाले पर या किसी भी तालाब पर अगर अतिक्रमण करके वो पक्का निर्माण करते हैं तो अंततः पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी और पानी वहाँ इकट्ठा होगा, जिससे कि अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम उनको ही झेलनी पड़ेगी, तो और उनकी वजह से अन्य लोगों को। तो हमको पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा, ऐसा कोई काम ना करें जिससे उन्हें खुद भी और दूसरे अन्य लोगों को भी परेशानी हो।